Afternoon. Where's Vian? Where's your torch? Yeah, you hold the torch. You hold one torch and wave it. Or you want to hold a candle? Yes. Candle will be hot. Life? Yeah, you're live. 438 people. Guys, today there's no excuse. Okay? Andheri rato mein. Yash! Wow! Rui, where's your light? Wow! Wow! How lovely. And Yash? Say hi. Why are you so sad? Oh. Say hi, Mama. Hi. 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 Lovely. Yeah, Rui. Looking. Hi. Yash, you also say hi. Hi. Ha! Thank you. I love that. Hi guys, don't forget today 9 p.m. For 9 minutes we got to switch off all our lights and burn candles and use this time to send out good energy, positive energy out there in the world to help us deal with COVID-19. It's a very beautiful initiative by our Prime Minister Narendra Modi sir, and great way to spread positivity, so don't forget and do it. कमाल की बात है कि आज प्रधानमंत्री के अप्रैल को जहां पर उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल को रात को हम सब मिलकर दिए जलाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, हमारे मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन करेंगे, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये अपील की है। अभी जो लोग इसको क्रिटिसाइज करने आए हैं ट्विटर पे देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ये क्या तरीका है, ये क्या है, इसको बहुत उस पर भंग कस रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को, याकूब मेमन को, अजमल कसब को बचाने के लिए, ये वही लोग हैं जो दिए जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर आए थे। आतंकवादियों को बचाने के लिए आप दिए जलाएंगे? गुंडे लफंगे बदमाशों को बचाने के लिए आप दिए जलाएंगे, आप मोमबत्तियां जलाएंगे? लेकिन देश में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने के लिए आप दिए नहीं जलाएंगे, आप मोमबत्तियां नहीं जलाएंगे। ये वो लोग हैं जो इस देश के खिलाफ हैं। ये अर्बन नक्सल्स हैं, ये सूडो लिबरल्स हैं, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स समझते हैं, लेकिन मान के चलिए ये देश के दुश्मन हैं, और देश के दुश्मनों की इस देश में नहीं चलती। जय हिंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 130 करोड़ लगभग हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की बात को समझ गए होंगे कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे लाइटें ऑफ करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती या दिया या मोबाइल की लाइट जलाना
है उससे, उसका सिंबॉलिक मतलब क्या है, वो अपने अंदर के इंसान को उजागर करना है या पूरे राष्ट्र को ये महसूस कराना है कि कैसे एक सिंबॉलिक जेस्चर से देश इकट्ठा हो सकता है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उन लोगों के प्रति शुक्रिया भी अदा किया जा सकता है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं या पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं या म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं। 130 करोड़ लोग जिनको मैं भक्त कहता हूँ, देश के भक्त हैं या मानवता के भक्त हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है और वो ऐसा करेंगे। वो इसलिए ऐसा करेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो नेता भी हैं और उनके अंदर एक बौद्धिक शक्ति भी है। वो इस बात को समझते हैं कि कैसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, देश के हर नागरिक को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे जो बैठी ऐसे होंगे 9 बजे कि क्या निकालें गलती, प्रधानमंत्री की बात में क्या निकालें गलती। तो निकाली है, मैंने देखा, पढ़ा मैंने अपने टाइमलाइन में कि अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो फिलॉसफर भी हो गए हैं, अब अपने अपने घरों से निकलकर लाइट जलाएंगे, लाइट जलाने से कोरोना वायरस जो है वो कम हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। और कौन से दोष देश ने हमारी नकल की, किस देश ने हमारे बजाय हमारे साथ ताली मारी। ऐसे लोग हैं क्योंकि उनका काम धंधा ही है, क्योंकि उनके अंदर की बत्ती बुझ गई है। उनकी बत्ती भी शायद जल जाए 9 बजे 5 तारीख को। तो देश के इतने सारे भक्त हैं और कुछ कम भक्त हैं, ये फर्क है। तो जो कम भक्त हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो देश के भक्त हैं उनको सब समझ में आता है। नमस्ते, मैं हूं अनन्या पांडे। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस वक्त सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हम घर बैठकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखे। जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हूँ, अपने कुत्तों के साथ वक्त बिता रही हूँ, मैं फिल्में देख रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें चीज़ें करनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव रखे इस समय में। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम अकेले हैं। हमें एक साथ कोरोना वायरस को हराना है। हमें सुरक्षित रहना है, सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है, हाइजीनिक रहना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर पर रहना है। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर में 17 दिन से बंद हूं। 17 दिन मैं बाहर नहीं गया हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का पालन कर रहा हूं और आज मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं जो कि जो महसूस कर रहा हूं मैं, जो मैं फील कर रहा हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में 100% लॉकडाउन को अगर उसका पालन नहीं किया गया, 100% से कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो हम इस लड़ाई को, इस कोरोना वायरस को सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने से नहीं रोक सकते। इसलिए इससे पहले कि ये थर्ड स्टेज में एंटर करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप इसका 100% पालन करें। 100% घर से बाहर ना निकलें, यही इसका इलाज है। धन्यवाद। I've never seen this road this empty, especially on a Monday. गेट से गाड़ी बाहर निकाले हुए काफ़ी मुद्दत हो गई ऐसा लगता है। अमीर तो ये सब कुछ सह लेगा लेकिन गरीब नहीं सह पाएगा। द पीपल हु आर इन प्रिविलेज्ड पोजीशंस, आई थिंक दे शुड बी गोइंग ऑल आउट फॉर ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड वंस हु कैन नॉट अफोर्ड लाइक अ सिंगल मील अ डे। सो वी होप वी हैव पॉजिटिव टाइम्स बैक अगैन। दिस इज द टाइम टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फॉर चैरिटी एंड ऑल्सो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। इस पर कुछ लिखा था मैंने, गलतियाँ सारी बख्श दे अगर बख्श सके, गलतियाँ सारी बख्श दे अगर बख्श सके, दौलत शोहरत भी उतनी दे जो पच सके, ले ले वापस कुछ हैसियत से ज़्यादा दिया अगर हो तूने, ले ले वापस जो हैसियत से ज़्यादा दिया हो अगर तूने, बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग ना लगे, बस ध्यान रहे कभी किरदार पे दाग ना लगे। Guys, most of us never thought we'd see this day.
It's impacted each and every one of us, but the impact on a few has been really, really hard. You know, people living in 10 by 10 rooms, people in the slums, for them social distancing is an absolute luxury, and so is the use of hand sanitizers. So much so today that even food and water is an absolute luxury. Guys, so let's come forward and support these very people and tell them that we are all in this with them. Save the Children India is working towards helping these very people. So please donate generously and support us. I promise every rupee that you send will only reach these people and it'll only help these people. Guys, whatever you can, in however way and whatever way you can help, please do help us. I'd save the Children India.